मैं आपका स्वागत है एक और वीडियो में। तो जैसे कि आप जानते हैं, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से हराया है। उसके ऊपर मिसबाह उल हक का क्या कहना है, किस उन्होंने किसको ब्लेम किया है? काफी ज्यादा आपको पता है निराश हैं मिसबाह उल हक भी, और सभी जो एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तान से वो काफी निराश हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हों, चाहे वो इंडिया के हों, कहीं के भी एक्सपर्ट्स हों, वो किसी की जीत हार पे क्या कहते हैं। हमारी ये ड्यूटी है आपको बताना। तो इस पर हम डिस्कस करेंगे कि किस क्या बात बोली है मिसबाह उल हक ने पाकिस्तान टीम को लेकर। उन्होंने सबसे पहले ये बात कही है कि जो हारिस रौफ हैं उनको हर बार आते हैं जब वो पावर प्ले में, तो उनको 17 रन पड़ गए आज, ठीक है, उस दिन 24 रन पड़ गए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो उनको बहुत मार पड़ती है, तो उन्हें 10 ओवर के बाद लाया जाए, ये उनका कहना है। बिल्कुल भाई, उन्होंने ये भी कहा कि जब उनको पहले ओवर में मार पड़ जाती है तो उसके लिए उसके बाद उनका जो है कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, बाकी ओवर में भी वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखता है। उन्होंने बात की कि स्पिनर्स भी काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है ना, स्पिनर्स काफी अच्छी बॉलिंग नहीं करा पा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी टीम जो है परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। और भाई उन्होंने ये भी देखिए, वसीम अकरम ने भी ये बात कही उनके साथ ही, कि उन्होंने बोला कि यार आपके कोच की भी गलती है, आपके बैट्समैन, आपके कैप्टन की भी गलती है, एज ए बैट्समैन कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एज ए कैप्टन आपकी बहुत गलती है बाबर आजम की। और भाई पूरी जो पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स हैं वो बहुत निराश हैं, क्योंकि आपको पता है इस समय देखिए हमारी ये ड्यूटी आपको बताना, कि हमारा फर्ज है आपको बताना कि उनको उन पे उन्होंने क्या क्या रिएक्शंस दिए हैं। तो ऐसे ही हम आपको और भी अपडेट्स देते रहेंगे। प्लीज क्रिक फैंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।